धनबाद में टोटो चालकों को परिचालन में आ रही तमाम तरह की परेशानी को लेकर टोटो चालक आज झारखंड ई रिक्शा टोटो संघ के बैनर तले सड़क पर उतरा। धरना प्रदर्शन की अगुवाई संघ के प्रदेश प्रवक्ता संतोष कुशवाहा ने किया। चालकों के इस धरना प्रदर्शन में विशेष तौर से संघ के संरक्षक सह कांग्रेस नेता वैभव सिन्हा उपस्थित हुए। वैभव सिन्हा ने कहा कि आज जिले में टोटो की संख्या 20,000 पार हो चुकी है। इस पॉल्यूशन मुक्त वाहन के लिए जिला प्रशासन ने अब तक इनके अल्प ठहराव के लिए चार्जिंग के लिए क्या व्यवस्था की है यह बताना चाहिए। संतोष कुशवाहा ने कहा कि टोटो के लिए शहर में कहीं भी अल्प ठहराव की व्यवस्था नहीं की जा रही है, चार्जिंग पॉइंट नहीं है। अब सरकार ड्रेस कोड लागू कर दी है, सरकार प्रशासन तमाम सुविधाएं दे अन्यथा टोटो चालक अब हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। समय से हम 20,000 से अधिक टोटो आज धनबाद में चल रहे हैं। आप सभी लोग इससे सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं प्रदूषण मुक्त शहरी परिवहन व्यवस्था में टोटो की ई रिक्शा की बहुत बड़ी भूमिका है। आज पूरे दुनिया में जहां पर ई व्हीकल्स और ई रिक्शा को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं आज यहां पर 20,000 से ज़्यादा टोटो होने के बावजूद भी हम जिला प्रशासन, नगर निगम, जिला परिवहन पदाधिकारी से सवाल करना चाहते हैं कि इन्होंने हम 20,000 टोटो चालकों के पार्किंग के लिए या उनको चार्जिंग की व्यवस्था के लिए क्या क्या सुविधाएं दी है या इन्हें क्या योजना है। इनके पास मेरी जानकारी इनके पास कोई योजना नहीं है। हम शुल्क देने को तैयार हैं, हम 15 वर्षों का टैक्स एक साथ देते हैं, इसके बाद भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो पदाधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि जो प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था की स्थापना हो, लेकिन ऐसे पदाधिकारी कुछ ना कुछ उनकी निजी उनका उद्देश्य होगा, इस कारण लगातार हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। अगर हमारी मांगों को पूर्ति नहीं होती है, हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तो हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और पूरे जिला में चक्का जाम होगा। वो दिन धनबाद का इतिहास याद किया जाएगा। क्या है आज हम लोग पूर्व के भारतीय फिर आज धरना दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग का स्थायी पार्किंग का मांग विगत वर्षों से चल रहा है। संख्या चूँकि जिले में टोटो की संख्या बढ़ती जा रही है, चूँकि ये राज्य सरकार का ही योजना है कि परिवहन को और प्रदूषण को मुक्त करने के लिए लाया गया है। तो हम आपका चैनल का माध्यम से बोलना चाहते हैं कि निश्चित तौर से टोटो छोटी से छोटी जगह में ये सवारी को लेने ले जाने का काम करता है, पर हम लोग का शहर में एक भी पार्किंग कहीं पर नहीं है। अगर हम लोग रोड में चलते हैं तो सिपाही मार के भगाता है, अगर किसी के दुकान के सामने हम लोग खड़ा करते हैं तो दुकानदार मार के भगाता है, जबकि सभी तरह का हम लोग टैक्स दे रहे हैं झारखंड सरकार को। तो हम लोग का कहना है कि भाई हम लोग का स्थायी पार्किंग जिला में चिन्हित जगह हम लोग दिए हुए हैं, धनबाद उपायुक्त को भी दिए हैं, SDM को दिए हैं, सभी वरीय पदाधिकारी को दिए हैं, और ऐसे नहीं मांग रहे हैं हम लोग को पार्किंग दे दिया जाए। जो शुल्क होता है, पार्किंग चार्ज होता है, उसको लिया जाए, हम लोग देने का तैयार है। दूसरा डिमांड था हम लोग को कि हम जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं टोटो के लिए तो भारी भरकम रुपए का डिमांड की जाती है, 7,000 रुपये हम लोग देने में असमर्थ हैं। तो हमने बोला था DTO साहब को कि कैंप के माध्यम से हम लोग को जो भी जो टोटो चालक है उसका चूंकि लाइसेंस बनाने का काम करे, ताकि हम लोग निर्भीक होके निडर होके रोड में चल सके, और कहीं ना कहीं वो भी आज धरे के धरे रह गया है। और फिर एक नया अभी फरमान आया है कि आपको ड्रेस कोड,
तो हम स्वागत करते हैं सरकार का जो नीति है चाहे जो नियम है, हम उस नियम का हल्ला नहीं करेंगे, पर हम मांग करते हैं आपके चैनल से, तो जिस तरह से माई और भाई योजना सरकार ला रहा, जिस तरह से बिजली फ्री दे रहा, उस तरह से कैंप लगा के DTO साहब ड्रेस के वितरण करें, जिसके पास लाइसेंस हो और जिसके पास गाड़ी हो उसको दे, यही आप आने वाले दिन में क्या हड़ताल पर भी जा सकते हैं? निश्चित तौर से हम लोग स्ट्राइक पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आज हम लोग माननीय फिर उपायुक्त महोदय के ज्ञापन देने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का काम करेंगे। अगर नहीं संशोधन हुआ तो पूरे जितना टोटो है DTO साहब के कार्यालय में ले जाकर जमा कर देंगे, बोलेंगे आप लीजिए टोटो, जो टैक्स हम लोग दिए हैं, जो 15 साल का टैक्स आप देखिए, 5 साल से ज़्यादा टोटो का लाइफ नहीं है, एक टोटो का लाइफ 5 साल है, हम लोग 15 साल के दे रहे हैं। अभी जिला में 31,000 के लमसम है लीगल और अनलीगल। एक बात और आया, अभी हम लोग नाबालिग का भी हम लोग पक्षधार नहीं है, अगर नाबालिग कोई टोटो चलाता है तो नाबालिग पर नहीं गाड़ी मालिक पर FIR होना चाहिए और न्यायालय से उसको सजा होना चाहिए, चूंकि हम लोग भी लिख के दिए हुए हैं सभी जगह, हम लोग नाबालिग के पक्षधार।